गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्लैंक का विकिरण नियम। प्लैंक के विकिरण नियम की हम उत्पत्ति देखेंगे। इसके लिए कि लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास में उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व को यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर एन लैम्डा डी लैम्डा और माध्य ऊर्जा ई बार का गुणा, जहाँ पर एन लैम्डा डी लैम्डा जो है वह लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में दोलकों की संख्या, जिसका कि मान वीन के विकिरण नियम तथा रेलिजेंस में जो निकाला गया उसका मान है 8π d λ/λ4। ये एन लैम्डा और डी लैम्डा का मान है फ्रॉम रेलिजेंस। इसकी वैल्यू रेलिजेंस नियम से आई है और जो ई बार है माध्य ऊर्जा जो कि हमने कल वाली क्लास में निकाली है, ई बार का मान जो है वह तरंग दैर्ध्य के रूप में एस सी अपॉन लैम्डा एक्सपोनेंशियल एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस वन, ये माध्य ऊर्जा का मान है। और ये वाली जो है दोलकों की संख्या है लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास में, इन दोनों का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर जो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास में उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व प्राप्त होता है, तो 8π d λ/λ4 × hc/λ एक्सपोनेंशियल एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस वन या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8π hc d λ/λ5 एक्सपोनेंशियल एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस वन यू लैम्डा और डी लैम्डा का मान, इसको समीकरण नंबर दो दे देते हैं। यह है ऊर्जा घनत्व का मान लैम्डा के टर्म्स में। अब यदि आवृत्ति परास में न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति परास में उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व आवृत्ति परास में दोलकों की संख्या इंटू आवृत्ति के टर्म्स में माध्य ऊर्जा का मान, तो एन्यू डी न्यू का मान रेलिजेंस के नियम के अनुसार 8π d λ/λ4 को देख चुके हम रेलिजेंस वाले नियम में कि एन्यू डी न्यू का मान न्यू की टर्म्स में ये प्राप्त होता है और जो माध्य ऊर्जा है वो कल वाली क्लास में निकाला था, मान है ई एच न्यू एक्सपोनेंशियली एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन ये आवृत्ति परास में उत्सर्जित विकिरणों के का मान, और इसको हम कहते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8π(υ³)/c³h, इधर रखते हैं डी न्यू एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन
तो ये है जो मान है ये आवृत्ति प्रास में है, और इस समीकरण को समीकरण नंबर 2 है तरंग दैर्ध्य प्रास में उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा, और समीकरण 3 है वो आवृत्ति प्रास में है। इन समीकरण 2 और 3 प्लांक का विकिरण नियम कहलाता है।